8 नवंबर 2000 के दिन भारत के जाने माने जादूगर पीसी सरकार जूनियर ने एक ऐसा जादू दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने आगरा में लोगों के देखते ही देखते ताजमहल को गायब कर दिया। जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया। बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में पीसी सरकार जूनियर ने बताया कि ये दरअसल कोई जादू नहीं बल्कि ऐसा उन्होंने खास तरह के उपकरण को इस्तेमाल करके किया जिससे ताजमहल से निकलने वाली लाइट लोगों की आंखों तक पहुंचनी बंद हो गई। ताज दुनिया भर में भारत की एक जानी मानी पहचान है। दुनिया में शायद ही कोई होगा जो ताज के बारे में नहीं जानता हो। दुनिया के आश्चर्यों में से एक ताजमहल जितना खूबसूरत है इसके राज उतने ही गहरे भी हैं। कहा जाता है कि इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 22 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ। ताजमहल सुबह की रोशनी में गुलाबी दिखता है, दिन में ये आपको दूध या सफेद दिखेगा, ढलते सूरज में ये आपको सुनहरी रंग का आभास देगा। ताजमहल चांदनी रात में नीले रंग का दिखाई देता है। हाथी दांत के रंग के संगमरमर के बने ताजमहल में अनेकों कीमती पत्थर और नगीने भी लगे हैं। ताजमहल जितना दूर से सुंदर लगता है उससे कहीं ज्यादा सुंदर ये नजदीक से लगता है क्योंकि इसमें पत्थर पर जो बारीकी से काम हुआ है वो कमाल का है। आप में से कई लोगों ने इसे आगरा जाकर जरूर देखा होगा, अगर नहीं तो जरूर प्लान कीजिए। आज मैं इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको पता नहीं होंगी। जब आपको ये सुनाई देता है कि ताजमहल साल 1655 में बना था, आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये इतना पुराना होने पर भी आखिर एकदम नया कैसे दिखता है। आज के आधुनिक समय में जब हम बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें खड़ी होते हुए देखते हैं, कितनी ही बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल गजब की मजबूत सीमेंट कंक्रीट और स्टील से बनते हैं और फिर भी वो 100 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते, तो फिर साल 1655 में बना हुआ ताजमहल कैसे आज तक मजबूती से टिका है जैसे कल ही बना हो। ताजमहल पर लगा एक एक पत्थर गजब की सफाई और मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस इमारत का निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा? आपको बता दूं कि सीमेंट का आविष्कार साल 1824 में हुआ था, यानी जिस समय ताजमहल बना सीमेंट का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। तो आखिर ये इतनी पुरानी इमारत ऐसी मजबूत कैसे बन गई कि इतने समय बीतने के बाद इतने भूकंप आंधी तूफान गर्मी सर्दी के बावजूद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। सीमेंट और कंक्रीट की मदद के बिना आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाया? बात शुरू करते हैं ताजमहल की नींव से। क्या आपको पता है कि ताजमहल यमुना पर इस तरह से निर्भर है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर? अगर यमुना नहीं होती तो ताजमहल भी आज खड़ा नहीं रह सकता था। आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे। सच तो ये है कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी हुई है, पर आप सोचेंगे कि लकड़ियों की नींव 370 सालों तो कैसे चल सकती है? पर ये सच है। इस लकड़ी को मजबूत रखने में सबसे बड़ी भूमिका यमुना की ही है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ताजमहल की नींव टिकी है इबोनी की लकड़ियों पर जो बेहद मजबूत और भारी होती है। ये लकड़ी आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि उसमें डूब जाती है। इसको मजबूत बनाने के लिए कम से कम 30% नमी की जरूरत होती है। अगर ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। अगर यमुना नदी सूख जाती है तो नींव में लगी लकड़ी पे से नमी कम हो जाएगी और ये कमजोर हो जाएगी। ऐसे में ताजमहल खड़ा नहीं रह पाएगा। साइंटिस्ट की माने तो पानी में डूबी लकड़ियां आज भी इतनी मजबूत हैं कि ताजमहल को सालों साल संभाले रखेंगी, बशर्ते इनमें नमी बनी रहे। यमुना का गिरता स्तर आज ताजमहल के अस्तित्व पर एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अब बात करते हैं ताजमहल के चारों मीनारों की। ये सारे मीनार एकदम सीधे ना होकर थोड़े से बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली गिरने के हालत में मीनार को मुख्य इमारत पर गिरने से बचाया जा सके। इसलिए इनका झुका होना कोई एक गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया डिजाइन है। जब हम ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल कुतुब मीनार से थोड़ा सा ऊंचा है, हालांकि फर्क सिर्फ आधे मीटर का ही है। ये जानकर शायद आपको हैरानी हो सकती है, पर ताजमहल है ही इतना हैरान कर देने वाली चीज। चाहे इसके सफेद मार्बल्स हों, चाहे इस पर की गई अनोखी नकाशी जिसमें अनेकों कीमती पत्थरों का इस्तेमाल भी हुआ है। इन पर की गई कारीगरी से कोई भी हैरान रह जाएगा। इन पत्थरों में अकीक, यमेनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया, यशाव और पिटूनिया थे। इसके अलावा अनेकों और भी बेहद दुर्लभ और बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था।
ताजमहल में लगा हुआ संगमरमर 400 किलोमीटर दूर मकराना नाम की जगह से लाया गया था। उस जगह संगमरमर को बारीकी से काटा जाता था। ये पत्थर दुनिया भर से लाए जाते थे। तराशा गया पत्थर को मकराना से आगरा बड़े ध्यान से लाया जाता था। ताजमहल को बनाने में लगे थे 20,000 लोग। ताजमहल को बनाते वक्त उस समय लागत आई थी 3 करोड़ रुपए की। आज के समय में ये कीमत 70,000 करोड़ के बराबर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय में बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेन आदि हैं, जिनकी सहायता से बड़ी इमारतें आसानी से बन जाती हैं। कल्पना कीजिए कि बिना किसी तकनीक मशीनों की सहायता से इतने बड़े भारी भरकम संगमरमर को कैसे लाया गया होगा, कैसे उसको एक दूसरे से जोड़कर इमारत का निर्माण किया गया होगा, कैसे उस पर इतना बारीक काम करके इस तरह से इमारत का निर्माण किया गया होगा कि वो बिना सीमेंट और कॉन्क्रीट के एकदम मजबूत खड़ी रहे। और खूबसूरती में इसका तो कोई जवाब ही नहीं। माना जाता है कि इसको बनाने के लिए जो पत्थर लाया गया था उसके लिए 1,000 हाथियों की मदद लगी थी। एक बात जो काफी कम लोग जानते हैं वो ये है कि ताजमहल को बनाने में एक खास ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है। जैसे जैसे आप ताजमहल के पास आते हैं वैसे ताजमहल छोटा लगने लगता है। इसके उलट जैसे आप इससे दूर जाएंगे यह आपको बड़ा लगेगा। ताजमहल के बारे में एक बात बहुत खास है कि इसकी छत में एक छोटा सा छेद है जिससे इसमें बारिश का पानी आता है। माना जाता है कि कारीगरों ने यह छेद जानबूझकर छोड़ दिया। ये ऐसा ही है जैसे एक बच्चे के माथे पर माँ एक काला तिल लगा देती है ताकि उसे नजर ना लगे। इसी तरह से ताजमहल में ये नुक्स जानबूझकर छोड़ दिया गया। ताजमहल के बारे में ये भी एक सच है कि क्योंकि ये इतनी मशहूर इमारत है युद्ध के दौरान इसकी दुश्मनों से सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को बहुत सारी तरीके से ढका गया था जिससे ऊपर से उड़ रहे फाइटर प्लेन्स को वो दिखाई ना दे। सिर्फ यही नहीं इसको भारत और पाकिस्तान से हुई लड़ाइयों में भी इसी तरह से ढका गया था। दोस्तों इसके अलावा बहुत से लोग मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया ही नहीं था। ये बना था साल 1150 में। ये एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। इसके बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैं इस वीडियो में तो इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, पर अगर आपको इस विषय पर अलग से वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट्स में लिखें। आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगले वीडियो में मैं किसी यूजर को शाउट आउट दूंगा, बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।